भरतपुर में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ धौलपुर एवं भरतपुर की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ की धौलपुर जिले एवं भरतपुर जिले की संयुक्त बैठक रामनिवास त्यागी प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री टिकेंद्र कटारा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सहकारी समिति के कार्मिकों की वेतन संबंधी समस्या, स्क्रीनिंग एवं कैडर जैसी मुख्य मांगों को शीघ्र ही पूरा करवाने पर जोर दिया गया। वहीं बैठक में भरतपुर एवं धौलपुर जिले के समस्त शाखाओं से ब्रांच अध्यक्ष पहुंचे और सर्वसम्मति से पूर्व में लिए गए प्रस्ताव की पुष्टि की गई एवं अवगत करवाया गया कि भरतपुर जिले से टिकेंद्र कटारा एवं धौलपुर जिले से रामनिवास त्यागी ही जिलाध्यक्ष के पद का निर्वहन करेंगे, जिस पर सर्वसहमति से सभी ने फूल माला पहनाते हुए रामनिवास त्यागी जिलाध्यक्ष धौलपुर एवं टिकेंद्र कटारा जिलाध्यक्ष भरतपुर का स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सभी की सहमति से यह निर्णय भी लिया गया कि देशनोक बीकानेर में मां करणी के दरबार में बनाई गई नवीन कार्यकारिणी का धौलपुर जिला एवं भरतपुर जिला समर्थन करता है एवं नवीन कार्यकारिणी के नीतिगत निर्णय एवं कार्यकुशलता की सराहना की गई। साथ ही उन्होंने निश्चित रूप से कुलदीप जंगम प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लंबे अरसे से लंबित मांगों को शीघ्र ही पूरा करवाने हेतु आश्वस्त किया। इस बैठक के उपरांत सभी पदाधिकारियों ने अतिरिक्त रजिस्ट्रार इंदर सिंह को माला पहनाकर गुलदस्ता भेंट करते हुए स्वागत किया। वहीं प्रबंध निदेशक के पद पर आए अवतार मीणा को जिला की समस्याओं से अवगत करवाते हुए शीघ्र ही समस्याओं के निराकरण की मांग की। बैठक में टिकेंद्र कटारा, नितेंद्र शर्मा, रामनिवास त्यागी, धान सिंह, नितेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, सुखवीर सिंह, सोनू, गजेंद्र सिंह, रामेश्वर, नवल किशोर, प्रमोद कुमार पांडे, निरुतिलाल, राजेंद्र प्रसाद, बलवंत सिंह, श्याम सुंदर सिंह परमार, अशोक कुमार दीक्षित, हरि ओम, उपेंद्र कुमार सहित दर्जनों सहकारी समिति के व्यवस्थापक एवं सहायक व्यवस्थापक मौजूद रहे। भरतपुर से बिरबल कड़वा की खास रिपोर्ट।